सीताराम बेरवा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर थर्ड टॉपिक ऑर्गेनोजेनेसिस। तो छात्रों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होती है वह आपको अवेलेबल हो सके। तो छात्रों, आज अब अपन एक टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस, सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसे अंग विकास कहते हैं। अंग विकास क्या होता है और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो टॉपिक पर चर्चा करते हैं छात्रों। तो ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? देखिए, विभिन्न अंगों तथा अंग तंत्रों के विकास को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, जो गेस्टुलेशन के बाद तीन प्राथमिक जनन स्तरों से छोटे छोटे कोशिका समूह अलग होकर प्राइमरी ऑर्गन रोडिमेंट्स बना लेते हैं। प्रत्येक प्राइमरी ऑर्गन रोडिमेंट्स आगे डेवलपमेंट में एनिमल्स के शरीर के विशिष्ट अंग का निर्माण करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन रोडिमेंट्स की पुनः विभाजन से सेकेंडरी ऑर्गन रोडिमेंट्स का निर्माण होता है। इसके द्वारा भविष्य में गौण सरल अंगों तथा अंशों का निर्माण होता है। इस प्रकार ऑर्गेनोजेनेसिस के प्रारंभ से भ्रूण धीरे धीरे एडल्ट प्राणी के समान बनने लगता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे केंद्रीय तंत्रिका का परिवर्धन कहते हैं। जो स्लाइड में दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें तंत्रिका नली का विकास हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण न्यूरल ट्यूब द्वारा होता है और न्यूरल ट्यूब का निर्माण गेस्टुलेशन से पूर्ण होता है और तब तक प्रारंभ होता है। भ्रूण की मध्य पृष्ठ दिशा में स्थित इक्टोडर्म मोटी होकर एक नाशपति के आकार की न्यूरल प्लेट, जिसे मेडुलरी प्लेट भी कहते हैं, का निर्माण होता है। न्यूरल प्लेट के सीमांत न्यूरल फोल्ड्स बनाते हैं। वह न्यूरल ग्रोव, जिसे तंत्रिका खाच कहते हैं, का निर्माण होता है तथा तंत्रिका वलन न्यूरल फोल्ड ग्रोथ कर एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं। न्यूरल ट्यूब का निर्माण इक्टोडर्म से होता है। न्यूरल ट्यूब के ऊपर इक्टोडर्म फिर से बन जाती है। इसमें डायग्राम में देखिए, जो ऊपर की वो न्यूरल प्लेट है, नीचे नोटोकॉर्ड, डायग्राम में बी में देखिए नोटोकॉर्ड, फिर न्यूरल फोल्ड हो रहा है, न्यूरल ग्रोव अंदर की ओर, फिर तीसरे सी वाली डायग्राम में देखिए नोटोकॉर्ड, न्यूरल ट्यूब्स जैसी संरचना बनती है अंदर की ओर ग्रोथ करके इनर ग्रोथ से, और फिर आपस में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और गैंग्लियोन दिखाई दे रहे लास्ट वाली स्टेज में नोटोकॉर्ड।
तो इसमें तंत्रिका नाल का अग्रभाग, मस्तिष्क ब्रेन व शेष भाग स्पाइनल कोड का निर्माण करता है। आगे परिवर्धन में न्यूरल ट्यूब का अग्र मोटा भाग ग्रोथ का इनसेपेलोन बनाता है। यह भाग वर्धिकर तथा संकीर्णनों कॉन्ट्रैक्शन द्वारा ब्रेन के तीन वे साइकिल में विभाजित हो जाता है। इसे प्राइमरी ब्रेन या प्राथमिक मस्तिष्क कहते हैं। ये तीन वे साइकिल होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसे प्रोसेंसिपलॉन कहते हैं, अग्र मस्तिष्क प्राथमिक मस्तिष्क का सबसे आगे वाला भाग होता है और यह एक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, एक अग्र टेलेंसिपलॉन तथा दूसरा डायनसिपलॉन। टेलेंसिपलॉन आगे वर्धिकर एक जोड़ी सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाता है। इसकी छत पेलियम तथा अदर पार्श्व कॉर्पोरा स्ट्रेटा बनाती है। प्रत्येक गोलार्ध में इवरी हेमिस्फीयर में एक लेटरल वेंट्रिकल स्थित होती है। इसे लेटरल वेंट्राइड भी कहते हैं। टेलेंसिपलॉन के अग्रधर भाग से ओल्फैक्टरी लोब विकसित होते हैं और प्रत्येक ओल्फैक्टरी लोब में ग्रैंड निले राइनोसिल होती है। पीछे की ओर टेलेंसिपलॉन डायनसिपलॉन देता है। इससे दो बहिर्वर्तन निकलते हैं जिन्हें पेराइटल बॉडी तथा पिनल बॉडी कहते हैं। फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क पक्ष के थैलेमसों के बीच में एक तीसरा वेंट्रिकल होता है जो मोनोरो के छिद्र फोरमैन ऑफ मोनोरो द्वारा खुलता है। इसी भाग में रक्तवाहिका में वलन जिसे अग्र रक्तक जालक एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस में विकसित होता है और अग्र मस्तिष्क पक्ष के अदर भाग पर इनफंडिबुलम तथा हाइपोफाइसिस जो कि दोनों मिलकर पिट्यूटरी बॉडी बनाता है और परिवर्धित होती है। ऑप्टिक नर्व्स से आने वाले तंतु इनफंडिबुलम के सामने एक दूसरे को काटते हुए चलते हैं जिसे ऑप्टिक क्याज्मा बनता है। नेक्स्ट मिड ब्रेन, इसे मध्यम मस्तिष्क कहते हैं। मेसेंसिपलॉन मध्यम मस्तिष्क में ऐसे अधिकतर चेंजिंग नहीं होते हैं। यह भाग एक मोटी छत वाला होता है और इसके पार्श्व दीवारों से दो ऑप्टिक लोब्स परिवर्धित होते हैं। मैमल्स में चार ऑप्टिक लोब्स बनती है और ऑप्टिक लोब्स मैमल्स को छोड़कर सभी में खोखली होती, होलो टाइप की होती है तथा इसमें गुहा पाई जाती है। इस गुहा को ऑप्टोसिल कहते हैं। ब्रेन में ऑप्टोसिल नहीं होती तथा ये सॉलिड होती है। थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल एक संरचना से जुड़ा रहता है जिसे आइटर कहते हैं। हिंड ब्रेन पचमस्तिष्क जिसे रोम्बेंसिपेलॉन भी कहते हैं, यह तीसरा वे साइकिल ब्रेन का पचमस्तिष्क भाग बनाता है। यह मेटेनसिपेलॉन व माइलेनसिपेलॉन मैडम के रूप में तृतीय वे साइकिल से बनता है। मेटेनसिपेलॉन छोटे और सकड़े वल्ले के रूप में होते हैं जो सेरिबेलम में परिवर्तित होते हैं। निम्न कशेरुकियों में एक कम विकसित होता है तथा
उच्च कशेरुकियों में मेटेन सिपेलॉन के अदर भाग पर दो वार बनते हैं जो पोनस वेरोली का निर्माण करते हैं। इनके पृष्ठ भाग से दो वार निकलते हैं जो वर्धिकर आपस में समेकित होकर अनुमस्तिष्क बनाते हैं। मोइसेन सिपेलन आगे चलकर मेडुला ऑब्लॉगेटा बनाता है। इसकी गुहा को फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं और इसके छत पर पोस्टीरियर कोराइड फ्लेक्सस बनता है। कई समायोजी कमिसर परिवर्तित होते हैं जो ब्रेन के दोनों अधांश को जोड़ते हैं। नेसल प्लेकोट, थैलेनसिपेलान, डायनसिपेलान जो डायग्राम में दिखाया गया था, लेंस प्लेकोट, मिसेनसिपेलान मिड ब्रेन, मेटेनसिपेलान और मैनसिपेलान हिंड ब्रेन, ईयर प्लेकोट और फर्स्ट सोमाइट्स जो डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रकार से ब्रेन का निर्माण होता है और इसके साथ ही ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो छात्रों, जो आज आपको बताया गया है तथा स्टडी की गई है वीडियो के द्वारा, उसको आप नोटेड कर लीजिए तथा इसको होमवर्क करना है। तो छात्रों, जो आज तक हमने आपको इस वीक में पढ़ाया है उसका नेक्स्ट वीक में वीडियो के द्वारा टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आप के बारे में देखा जाएगा कि कितने आप कमज़ोर हो, कितने स्टडी में अध्ययन करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नोटेड कर लेना। इसके साथ ही आज का हम टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जिसे डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की जाएगी, जिसको आप घर पर भी देखना। इसके साथ आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं।